हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं फार्मासिस्ट कंचन कुमार आज आप लोग के बीच लेकर आया हूँ नया टॉपिक कि लोगों में सेक्स परफॉर्मेंस को कैसे इंक्रीज करें, कि हाउ मेन कैन इंप्रूव देयर सेक्सुअल परफॉर्मेंस। मेनी मेन आर इंटरेस्टेड टू इनहेंसिंग देयर ओन एंड पार्टनर्स प्लेजर एंड सेटिस्फेक्शन ड्यूरिंग सेक्स। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जब भी उनके पार्टनर्स के साथ सेक्स करें फिर दोनों की संतुष्टि मिले, सेटिस्फेक्शन मिले। तो पहला है कि चिंता को कम कीजिए, इम्प्रूव इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है उसको ठीक कीजिए, इनहेंसिंग रिलेशनशिप विद सेक्सुअल पार्टनर और स्टैमिना को अपना बढ़ाना चाहिए। 13 वे टू इम्प्रूव सेक्सुअल परफॉर्मेंस, 13 प्रकार होते हैं जिसे सेक्सुअल परफॉर्मेंस को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। पहला है फोकस ऑन फोरप्ले। सम मैन बिलीव दैट पेनिट्रेशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट इवन द डेफिनेटिंग ऑफ पार्ट ऑफ सेक्स। हाउएवर मैनी हु फेस इरेक्टाइल डिसफंक्शन में बी हर्टेड टू देयर लर्न फॉर फोरप्ले इंक्लूड टचिंग, किसिंग एंड ओरल सेक्स। मेकिंग फोरप्ले लास्ट कैन इम्प्रूव द सेक्सुअल एक्सपीरियंस इन एवरीवन इन्वॉल्व। सिंपली भाषा में इसको कहा जाता है कि बहुत कोई खेल खेल को ही सेक्स का रूप देना चाहते हैं, जैसे कि किस बहुत कोई होता है किस करते करते किस कर होता है, ठीक है। ट्राई टू स्टार्ट स्टॉप टेक्निक। मैन हु वांट टू लॉन्गर ड्यूरिंग इंटरकोर्स कैन ट्राई स्टार्ट स्टॉप टेक्निक ट्रस्टेड सोर्स। कि आप कभी भी किसी के साथ संबंध बनाएं तो लगातार मत करें, रुक रुक के करें, स्टार्ट स्टॉप कुछ देर करें फिर रुक जाएं, कुछ देर करें फिर रुक जाएं, ठीक है। दिस टेक्निक कैन इंक्रीज योर सेक्स परफॉर्मेंस। तीसरा है ट्राई समथिंग न्यू, कुछ नया करने का प्रयास कीजिए। सेक्सुअल प्लेजर इन टाइम इनपुट पैशन एंड एक्साइटमेंट। इसलिए जब भी आप इस तरह का सिचुएशन में हो तो कुछ नया करने का कोशिश करें, जैसे कुकिंग टुगेदर, एक साथ खाना बनाएं, कैंग को फिकिंग, गोइंग टू म्यूजियम, सींग ए न्यू बैंड, ट्राइंग ए न्यू सपोर्ट इटीसी। मैनेज एनएक्सिटी एंड स्ट्रेस, अपनी चिंता को और स्ट्रेस को दूर रखने का प्रयास करना चाहिए, जैसे फोकसिंग ऑन फिजिकल सैनिटेशन एंड सेक्सुअल परफॉर्मेंस। एक्सरसाइज कीजिए, गेटिंग मोर स्लीप, बहुत ज़्यादा सोइए, वर्किंग को इम्प्रूव कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पीडिंग मोर देन फेवरेट हॉबी, आपके कुछ भी शौक हैं उसके साथ अच्छे से बिताइए, और थेरेपी भी अगर लेना है तो साइकेट्रिक से भी आप मिलिए। अगर आप क्वाइट स्मोकिंग, अगर आप नशा क्या सिगरेट के आदि हैं तो उनसे उसको भी आप छोड़ दें, जिससे हाई ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम समझ ख़त्म हो जाएगा, जिससे आपकी हेल्थ लाइफ ठीक हो सकती है। ओपन कम्युनिकेशन, बातचीत को बढ़ाए रखें, जिससे आपके पर एड्रेस रिलेशन इश्यू, रिलेशनशिप के बीच में जो भी इश्यू आते हैं उसको सुलझाने का प्रयास करना चाहिए, जैसे कि फीलिंग्स नॉट ब्लेम, किसी के ऊपर दबाव ना बनाना, किसी को इल्ज़ाम ना लगाना, इस तरह की बहुत सारी चैलेंज आती है उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। गेट मोर एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज सेक्स टिप एक्सरसाइज हैं, उसको इम्प्रूव मेंटली और हेल्थी और चिंता को दूर करने के लिए एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे कि हार्ट कंडीशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन को बहुत हद तक कम कर सकें। साइकिलिंग करना चाहिए, दौड़ना चाहिए, माइंडफुलनेस करना चाहिए इत्यादि। ट्राई एन हर्बल रेमेडी, हर्बल अगर है तो आयुर्वेदिक दवा का भी एडमिशन लेना चाहिए। काउंसलिंग, जैसे एनएक्सिटी और डिप्रेशन, रिलेशनशिप प्रॉब्लम उसको सॉर्ट आउट कीजिए, चिंता को दूर कीजिए, सोशल स्टिग्मा में लगे रहिए, मेंटल हेल्थ अगर इस तरह है तो उसको ठीक कीजिए, स्टोरी ऑफ ट्रॉमा अगर किस तरह की ऐसा बीमारी है आपके अंदर में तो डॉक्टर से मिलके सलाह लेके आप उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, डॉक्टर से सलाह लेके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जिससे आपकी सेक्स लाइफ हेल्दी हो जाएगी और पारिवारिक जीवन अच्छे से बीतेगा। तो
तो मेरी हुई दिव्य जीवन कार्य आपको कैसी लगी, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।